दोस्तों, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हम लोग जो रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें क्या हम इंटरचेंज कर सकते हैं या किस तरीके से इस रेफ्रिजरेंट्स को हम लोग चार्ज करें। तो दोस्तों, अभी हमारे पास कई तरह के रेफ्रिजरेंट्स अवेलेबल हैं। R290 प्रोपेन, जो कि एयर कंडीशनर्स में चार्ज किया जा रहा है, R22, इसी तरह से R410 और R32। अगर हम प्रोपेन की बात करें, अगर हम R22 की बात करें, तो ये दोनों रेफ्रिजरेंट्स हमारे पास बहुत अरसे से अवेलेबल हैं। 22 to 1930 से चार्ज किया जा रहा है और हम लोग बहुत अवेयर थे, हम लोगों को बहुत जानकारी थी कि इनको किस तरीके से चार्ज करना है। अब अगर बात करें 22 की, तो प्रेशर हमारे कंट्रोल में थे। R290 की बात करें तो प्रेशर हमारे कंट्रोल में है। बैक प्रेशर अगर हम देखेंगे तो 290 का और 22 का 55, 60, 65, गर्मियां हैं तो 70-75 तक पहुंचता है। हेड प्रेशर की अगर बात करें तो हेड प्रेशर हमारा R22 का, R290 का, 290 की बात करें तो 240, 250, 260 तक पहुंचता है। 22 की बात करें तो हेड प्रेशर हमारा 270, 290, 300, 310 तक पहुंचता है गर्मियों में। लेकिन R410A और R32, ये दोनों रेफ्रिजरेंट जो हैं, इनके हेड प्रेशर्स ज्यादा हैं, बैक प्रेशर्स भी दोनों के ज्यादा हैं। करीब करीब बैक प्रेशर देखेंगे तो 110, 120, 130 PSI के आसपास मिलता है। हेड प्रेशर जो है, वो 450, 500 के आसपास मिलता है। तो अब अगर हम इंटरचेंज की बात करते हैं कि हम क्या 22 नंबर को 410 में डाल सकते हैं या 410 को 22 नंबर में डाल सकते हैं, तो एकदम पॉसिबल नहीं है और इस तरह की एक्टिविटीज बिल्कुल मत कीजिएगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि 410 डेंजरस कंडीशंस में पहुंच जाती है अगर हम अनट्रेंड तरीके से, गलत तरीके से गैस चार्जिंग कर रहे हैं या टॉप अप कर रहे हैं। R32 के साथ भी सेम सिचुएशन है। इसी तरह से ऑयल भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हम लोग दो तरह के ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पॉलीऑयल, ईस्टर ऑयल और मिनरल ऑयल। पॉलीऑयल ईस्टर ऑयल जो है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और ज़रा सा भी मॉइस्चर कंटेंट इसमें जाता है तो इसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जब कभी ऑयल ज़रा सा भी हीट होता है तो ये मॉइस्चर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे सिस्टम में और जितनी भी मेटेलिक चीज़ें हैं उनके साथ में ये मिसबिहेव करता है और वहाँ पे क्रोजन डेवलप करता है। तो 32, R410A और R22, R290 प्रोपेन, इन दोनों के ऑयल में 410, R290, R22, R32 डिफरेंट ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया है। हेड प्रेशर 410 के ज़्यादा है, 32 के ज़्यादा है। हम बिना जाने बूझे टॉप अप नहीं कर सकते। अगर पार्शियल चोकिंग सिस्टम में है और हम टॉप अप कर रहे हैं बैक प्रेशर देखकर, मान ली 90 के आसपास आपको और 410 का बैक प्रेशर मिलता है, आपने टॉप अप करना शुरू किया, आपको पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है। तो हमेशा चेक कीजिए कि गैस लीक है या जो है वो हमारा पार्शियली चोक है। सिस्टम अगर पार्शियली चोक है तो कंडेंसर ऊपर ज़्यादा गर्म होगा, नीचे एकदम कूल हो जाएगा। अब अगर सिस्टम पार्शियल चोक है, R32 की भी बात हो सकती है, R410 की भी हो सकती है। हेड प्रेशर कितनी की बात हो रही थी, 450 pound की। फिर धूप में मशीन रखी है, साउथ फेसिंग कंडेंसर है जो कि नहीं होना चाहिए, हीट लोड बहुत ज़्यादा है, कंडेंसर के ऊपर 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड का लोड है, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे एयर आके रुकती है, जहाँ पे धूप आके रुकती है, वहाँ पे तापमान तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। तो 45 डिग्री अगर वहाँ पे टेम्परेचर है एयर का, तो धूप जहाँ पे आके रुक रही है 45 + 25, दैट विल बी इक्वलेंट टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारा नॉर्मली जो कंडेंसर होता है वो 62, 63, 65 डिग्री के आसपास गर्म होता है, 70 डिग्री के टेम्परेचर से वो बाहर हीट नहीं निकल पाएगी, तो हेड प्रेशर बढ़ेगा। तो बढ़े हुए हेड प्रेशर में पार्शियल चोक है तो हेड प्रेशर और बढ़ा हुआ होगा, उसी में अगर आप एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं तो फिर नुकसानात के चांसेस हैं, मे बी कोई अनहोनी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, गैस लीक, पावर पंपिंग,
पार्शल चोक, इन तीनों में आपको डिटेक्ट करना ज़रूर 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 आता हो। अगर पार्शली चोक है बैक प्रेशर कम दिखाएगा लेकिन हेड प्रेशर ज़्यादा दिखाएगा। अब आप हेड प्रेशर को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसमें अगर आपने चार्जिंग शुरू कर दी तो नुकसान हो सकता है। इसी तरह से हम 410, 32, R22, R290 इनको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। जो भी डिज़ाइन बनाई जाती है, जो भी कैपिलरी का डाया होता है, जो भी कंडेंसिंग यूनिट, जो भी कूलिंग यूनिट डिज़ाइन की जाती है, वो सब इन सारे प्रेशर्स को देखने के बाद की जाती है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, केयर कीजिए, ट्रेनिंग लेके हमेशा ये काम कीजिए, तो हमेशा आप महफूज रहेंगे।